चलिए आज बात करते हैं बेस्ट एक्सटर्नल एसएसडी फॉर योर लैपटॉप और योर पीसी। आप एक्सटर्नल एसएसडी अगर आप लेना चाहते हो और आपका बजट अगर 10,000 के करीब है और 1 TB स्टोरेज साइज का आपको चाहिए, तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा सबसे बेस्ट जो मार्केट में अवेलेबल है एसएसडी जो आप ले सकते हो, वही मैं आपको बताने वाला हूँ, जिनमें आपका डेटा प्रोटेक्टेड रहेगा। उसके साथ ही फ्यूचर में डेटा अगर रिकवर करना होगा तो कंपनी भी आपको हेल्प करेगी 5 सालों तक डेटा रिकवर करने के लिए। ऑल्सो ड्यूरेबल होने चाहिए, फास्ट होने चाहिए, सारे चीजों को मैंने कंसीडर किया। उसके बाद ही मैंने टॉप 5 बेस्ट एसएसडी फाइंड आउट किया जो इंडिया में राइट नाउ अवेलेबल है। सारे एसएसडी के जो लिंक्स मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में लाइन से मिल जाएगा, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करना। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नंबर 1 के तरफ। ये है सैंडिस्क एक्सट्रीम पोर्टेबल एसएसडी। इस एसएसडी के अंदर आपको बहुत सारे खासियत मिलते हैं। सबसे पहले तो यहां पर आपको 1 TB का स्टोरेज मिल जाएगा, रीड एंड राइट स्पीड आपको 1050 MB की मिलेगी पर सेकेंड की, मतलब बहुत ज्यादा हाई स्पीड आपको एसएसडी मिलने वाला है। प्लस यहां पर आपको ये 3 मीटर तक आप ड्रॉप भी हो जाए तो भी इस एसएसडी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये रगेड एसएसडी मिलता है। प्लस यहां पर आपको IP65 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट भी मिल जाता है, अगर गलती से पानी में गिर गया या फिर धूल मट्टी आ गई तो भी आपके एसएसडी को कुछ नहीं होगा। 5 सालों तक का आपको यहां पर वारंटी मिल जाता है डेटा में, अगर किसी गलती से भी अगर आपका डेटा करप्ट हो गया तो सैंडिस्क आपका डेटा रिकवर करके आपको दे देगी फ्री में। तो काफी अच्छा SSD है, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग SSD जो इंडिया में बिकता है 10,000 रुपए के बजट के अंदर। तो जल्दी से चेक करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। नेक्स्ट SSD आपको रेकमेंड करता हूं, ये है Samsung T7 Shield। ये भी एक रगेड SSD मिल जाता है, मतलब आउटडोर में अगर आप ट्रैवल करते हो और अगर आपके हाथ से सामान गिरता रहता है तो ये SSD भी आपके डेटा को पूरी तरह प्रोटेक्ट करेगा। यहां पर आपको 1 TB का पोर्टेबल SSD मिल जाता है। यहां पर आपको जो रीड एंड राइट स्पीड मिलेगी 10 GBPS की मिल जाएगा, एकदम हाई स्पीड मिल जाएगा। 1050 MBPS की आपको रीड एंड राइट स्पीड भी यहां पर आपको दिखने वाला है। उसी के साथ ही IP65 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट यहां पर भी मिल जाएगा, ड्रॉप भी अगर आपको हो जाता 3 मीटर से तो भी ये SSD अपने आपको प्रोटेक्ट कर लेगा, इतना स्ट्रॉन्ग SSD आपको मिल जाता है सैमसंग की तरफ से। तो ये भी एक काफी अच्छा SSD है, लेकिन इसकी प्राइस थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है, कभी 10,000 में मिलता है और कभी 11,000 रुपए में भी मिलता है, क्योंकि सैमसंग की तरफ से तो प्राइस थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो ये भी एक काफी अच्छा SSD है। अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो मैं सैमसंग का सेकंड SSD आपको रेकमेंड करता हूँ, वो है सैमसंग T7। इसमें सारे चीजें आपको सेम मिल जाएगी, 10 GBPS की आपको स्पीड मिल जाएगी, रीड एंड राइट स्पीड, प्लस यहाँ पर आपको 1 TB का स्टोरेज भी मिल जाएगा, वारंटी वारंटी सब कुछ आपको सेम मिलेगा। बस यहाँ पर यह मेटल डिजाइन के साथ एकदम स्लीक ही मिल जाएगा। ये अगर आप ड्रॉप करोगे थोड़ा अपने आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन स्टाइलिश दिखने में SSD ज्यादा है। तो दोनों के अंदर के सामान तो सेम है, लेकिन आपकी पसंद क्या है वो आपको देखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दोनों के दिए हैं। नेक्स्ट SSD मैं आपको रेकमेंड करता हूं, Seagate's OneTouch। यहां पर आपको 1 TB का SSD मिल जाएगा, एक्सटर्नल SSD है। यहां पर आपको 130 MB की यहां पर रीड एंड राइट स्पीड मिल जाएगा। यहां पर आपको 3 सालों का डेटा रिकवरी का वहां पर वारंटी भी मिल जाएगा, अगर 3 साल के अंदर अगर आपके SSD को कुछ हो जाता है, आपका डेटा करप्ट हो जाता है, तो फ्री में कंपनी आपका डेटा रिकवर करके भी SSD में दे देगी। उसके साथ ही ये सबके साथ कंफर्टेबल है, विंडोज हो, मैक हो, आपका स्मार्टफोन हो, सारे चीजों से तो कंफर्टेबल मिल जाता है। तो ये भी एक काफी अच्छा SSD, अगर आपका बजट टाइट है तो 8,000 रुपए के बजट के अंदर आप इस SSD को ले सकते हो 1 TB स्टोरेज के साथ। तो ये भी काफी अच्छा है, जाके चेक करो जरूर। So, यही थे सबसे बेस्ट SSD जो आप ले सकते हो 10,000 रुपए के बजट के अंदर इंडिया में रहते हुए। अभी इनमें से आप कौन सा परचेस करने वाले हो आप कमेंट में जरूर बता सकते हो। ऑल्सो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए एंड मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल को क्लिक करना भूलना मत, इसी तरह के वीडियोस में आपको लाते रहूंगा। मेरा नाम इमरान है, आप देख रहे हैं टेकी इमरान। तो इस रेक्शन पर मैं फिर से हाजिर होगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना प्लीज ख्याल रखिए। I'm